अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंसानी जिस्म के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक बताएंगे जो आज से पहले आपको शायद मालूम ना हो। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कूल्हे से टखने तक होती है। भरपूर जवान होने के बाद हमारे जिस्म के आज़ा भी बढ़ना रुक जाते हैं, मगर नाक और कान दो ऐसे आज़ा हैं जो सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली की ताकत मुकम्मल हाथ की ताकत का 50% हिस्सा होता है। इंसान के मुंह में बैक्टीरिया की तादाद इस जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों से भी ज्यादा होती है। इंसान के मरने के 3 दिन तक वो एंजाइम्स जो खुराक को हजम करते हैं, मरने के बाद इंसान के जिस्म को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक जवान इंसान के सिर्फ एक कदम उठाने पर 200 मसल्स हरकत में आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर कोई इंसान 70 साल तक जिंदा रहता है तो तब तक वो 12,000 गैलन पानी पी चुका होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंसानी हड्डी स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होती है। हमारी जुबान कोई भी जायका 1 सेकंड के 200वें हिस्से में महसूस कर लेती है, जो कि एक पलक झपकने से भी ज्यादा तेज है। जैसा कि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही हर इंसान की जुबान का अपना अपना एक खास डिजाइन होता है। एक इंसान के मुंह में अपनी पूरी जिंदगी में इतना थूक पैदा होता है जिससे 2 स्विमिंग पूल भर जाएं। लफ्ज ऑर्गन एक यूनानी लफ्ज ऑर्गेनन से बना है, जिसका मतलब है औजार। हमारे जिस्म में सबसे मजबूत मसल्स हमारे जबड़ों में होते हैं। एक जवान इंसान की स्किन का वजन तकरीबन 3.5 से 5 किलो तक होता है। एक जवान इंसान की खोपड़ी का वजन तकरीबन 11 से 12 किलो तक होता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर किसी शख्स की उम्र 70 साल है तो जिंदगी के 5 साल उसने सिर्फ खाना खाते हुए ही गुजारे हैं। इंसान के जिस्म में एक दिन में खून तकरीबन 19,000 किलोमीटर सर्कुलेट करता है। इंसानी आंख तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ कलर्स में फर्क करने की सलाहियत रखती है। एक नॉर्मल जवान इंसान हर रोज तकरीबन 23,000 बार सांस लेता है। इंसान जब पैदा होता है तो उसके जिस्म में 270 हड्डियां होती हैं, और जून जून ये बड़ा होता जाता है तो इन हड्डियों की तादाद 206 हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। शुक्रिया।